बात हम कंज्यूमर की करेंगे। देश में 20 जुलाई से नया उपभोक्ता कानून लागू हो गया और इस नए कानून के मुताबिक घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नए उपभोक्ता कानून के तहत अगर किसी उपभोक्ता की किसी प्रोडक्ट की गलती या उसमें जो क्वालिटी कमजोर है उसके चलते अगर मौत होती है तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख और 7 साल या आजीवन कारावास की भी प्रावधान रखे गए हैं। देश में नए कानून के दायरे में अब ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता कानून में ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। साथ ही उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानकों के बारे में अब जितने भी जो बेचने वाली कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्ट पर इसकी डिटेल जानकारी भी देनी होगी। और अब इस कानून में एक और नई चीज जोड़ी गई है जिसके मुताबिक भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी कानूनी दायरे पर होंगे और उन पर 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। और साथ ही साथ बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। तो समझेंगे कि इस नए कानून से बाजार में कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर क्या बदलने जा रहा है और किस तरीके से ये नया कानून पुराने कानून से बेहतर और दायरे के लिहाज से ज्यादा बड़ा दिखता है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। निधि खरे जी हमारे साथ हैं, रीजनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पुष्पा गिरमा जी हैं, कंज्यूमर कॉलमिस्ट हैं, मैम स्वागत है। और तालिश रे हैं, एडवोकेट हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मामले देखती हैं, बहुत स्वागत है आपको। इन्हें शुरुआत में निधि जी आपसे करना चाहूंगा, एक लंबा इंतजार था और इस कानून के लागू करने को लेकर भी कई रुकावटें आई, कभी कोविड कभी कुछ और, लेकिन अब आखिरकार इसे पूरे देश में लागू किया गया है। क्या बड़े बदलाव हैं जो इस कानून के जरिए आप लोग फोकस कर रहे हैं, जो एम है? जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये एक बहुत लंबे समय से उपभोक्ताओं के हितों के लिए जो लड़ाई कर रहे थे लोग, उनके द्वारा ये बहुत सारी जो 1986 का जो कानून था उसमें तमाम पिटफॉल्स थे और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण में कई बार इस तरह की बाधाएं आती थी। तो ये जो नया कानून है जो आज से लागू होने जा रहा है, इनमें इन व्यवस्थाओं को रखा गया है कि एक साधारण से साधारण उपभोक्ता अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। उसे ऐसा नहीं कि उसे वकील के यहाँ जाना पड़ेगा तभी किसी तरह से उसकी शिकायत सुनी जाएगी, बल्कि वो ई फाइलिंग के रूप में वो जहाँ कहीं भी है वहां से उसे फाइल कर सकता है। तो एक तो सरलीकरण किया गया है कानूनों का, जिससे कि उपभोक्ता के पक्ष में ये कानून उनके साथ खड़ा हो। ओके। जिस तरीके से तालिश पुराने कानून में हमने देखा था कि दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण दिखती हैं, हालांकि मुझे, लेकिन मैं आपके कानूनी नजरिए से, क्योंकि कानून की चौखट पर कैसे नए प्रावधान ज्यादा अधिकार देंगे कंज्यूमर को, वो क्या अहम बातें नजर आती हैं? जी, जैसे कि आपने पहले भी कहा और निधि जी ने भी कहा, ये जो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का आया है उसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता के लिहाज से बहुत बड़े चेंजेस आकर के सामने हमारे रखे गए हैं। सबसे पहले इसमें तो ये है कि एक कोई जो उपभोक्ता है वो कहाँ से अपना केस दर्ज कर सकता है, उस पर हम देख रहे हैं कि ई फाइलिंग के तरीके से हो सकता है। उसके अलावा ये है कि उपभोक्ता जहाँ रहता है या काम करता है वहीं से वो अपनी फाइलिंग कर सकता है। पहले ये होता था कि ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पे एस्टैब्लिश होता था जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर माना जाता था, और वो बड़ी मुश्किल की चीज है क्योंकि इनके रजिस्टर्ड ऑफिसेस कहीं भी हो सकते थे, मेट्रो में हो सकते थे, लेकिन उपभोक्ता जो हमारे हैं वो टायर 2 टायर 3 कभी कभी जो है रूरल एरियाज से भी आ रहे हैं, तो उसके हित में एक तो ये लाया गया। लेकिन मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी चीज ये है वो लाई गई है अबाउट प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी उत्पादन किया गया है
उस उत्पादन की जो लायबिलिटी लेकर के आए हैं वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि कितना कॉस्ट हमने किसी चीज के लिए पे किया है, कितना दाम हमने दिया है, लेकिन इसका कि कितने किस तरीके से और कितने हर्जाने तक जो है मानहानि हुई है किसी उस पे। और लीगल नजरिए से अगर ये भी देखा जाए तो सबसे बड़ी आई थिंक डेवलपमेंट जो आई है वो ये आई है कि अब जो है देयर इज गोइंग टू बी अ फोरम दैट विल बी देयर व्हिच विल टेक अप कि भी उपभोक्ताओं की अगर कोई भी परेशानियां हैं या कोई कंपनी ऐसी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी है जो उपभोक्ता को मिसलीड कर रहा है, चाहे वो एड से हो, चाहे वो इससे हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा टर्म हो, तो दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी उसको आगे ले जाकर के आपका जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनका बहुत ही बड़ा और बहुत ही वाइड पावर्स दिए गए हैं इस वाले में। तो इसके लिए हमको ये लगता है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून जो इस बार आया हुआ है उसमें उपभोक्ताओं के हित में बहुत कुछ आगे रख करके किया गया है। और उसके अलावा जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अब हम देख रहे हैं जो एक्सपेंशन हुआ है इसका, तो पहले ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम था उसका पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अब 1 करोड़ तक हो गया है, जो स्टेट कंज्यूमर फोरम है वो 10 करोड़ का है, और उसके बाद नेशनल कंज्यूमर फोरम में है। तो मेरे अंदाजे से ये जब हम देखेंगे तो इसका जब आप कानून का लागू होना देखेंगे तो हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा इसमें एडवांटेज मिल रहे हैं। ओके पुष्पा जी, क्योंकि इससे पहले जब कानून था और उपभोक्ता ये कहते थे कि कानून तो है और अगर कोई कंपनी चीट करती है उसके बाद हर्जाना लेने तक इतना लंबा प्रोसेस था, इतना मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल प्रोसेस था कि कंज्यूमर हार मान लेता था रास्ते से ही। और दूसरा ये कि जब से ई कॉमर्स कंपनियां आई और भारत में तेजी के साथ ये बाजार बढ़ रहा है, हिस्सेदारी हर साल दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, इनको इसमें शामिल करना कितना जरूरी था और ये नए कदम उपभोक्ता को कितना मजबूत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जिसके लिए हमें बेसब्री से इंतजार था ये नया कानून के लिए, ये फाइनली लागू हुआ है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एंड आई थिंक दिस विल ब्रिंग इन अशर इन अ न्यू एरा इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द कंट्री, क्योंकि ये 2014 में ये फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था तो 6 साल का इंतजार था, वो बहुत अच्छा है अभी हुआ है, लेकिन इंतजार हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट पावरफुल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो उसका हमें इंतजार है, बिकॉज दैट विल रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और यू नो हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, आशा है कि वो जल्दी होगी। एंड देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये जो अभी ये क्या है, पहले प्रॉब्लम ये था कि उपभोक्ता फोरम में जब भी कंज्यूमर जाता था वो बहुत लंबी खींचता है केसेस, उसका प्रॉब्लम बहुत था। अभी इसके लिए एक मीडिएशन का प्रोविजन है, जब भी उपभोक्ताओं को लगता है ये केसेस बहुत लंबा हो रहा है तो दे कैन सीक मीडिएशन, दैट इज वन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन एज फार एज द कंज्यूमर कोर्ट्स जो प्रोसीजर है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो उसके वजह से ऑफकोर्स उसमें है एडजर्नमेंट्स नहीं देना है जैसे पहले भी था, और केसेस हैव टू बी ब्रॉट इन, हैव टू बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज, वो सब है, लेकिन पहले उसको लागू नहीं कर रहा था, अभी देखना है इसको स्ट्रिक्टली, क्योंकि अभी ये जो रूल्स डिक्लेयर किया है, नोटिफाई किया है, इसमें एक प्रावधान है कि वंस इन 3 मंथ्स कंज्यूमर कोर्ट्स को ये भेजना है, वो क्या है, रिपोर्ट भेजना है कि कितने टाइम लिया उन्होंने केस खत्म करने के लिए वो सब। सो होपफुली ये मॉनिटरिंग के वजह से तो केसेस थोड़ा जल्दी डिसाइड हो जाएगी, वो दैट शुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि अभी तक तो एडजर्नमेंट्स बहुत ही लंबा खींच रहा है उपभोक्ता फोरम के सामने, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत है, तो होपफुली सम ऑफ दीज थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, एंड वन रियली होप्स दैट यू नो दिस विल ब्रिंग, एंड ऑफकोर्स यू वर ऑल्सो आस्किंग अबाउट ये जो दूसरा एडवांटेज जो है लाइक ई कॉमर्स के बारे में आपने कहा कि ई कॉमर्स में बहुत ही उपभोक्ताओं का आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ही है, जब से कोविड शुरू हो गया तो ये ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इतना ज़्यादा हो गया है, तो उपभोक्ताओं को दे आर बिकमिंग विक्टिम्स, तो इसलिए अभी ये नया कानून है एंड विथ यू नो ई फाइलिंग दैट शुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू कंज्यूमर्स, एंड वन रियली होप्स दैट यू नो
consumers can take advantage of this and benefit from it. Yeah. Nidhi ji, दो चीजें, एक जो मैम ने कहा कि CCPA को लेकर यानी कि न्यायाधिकरण जो बोर्ड बनना है उसको लेकर स्थिति, और दूसरा ये कि हम अभी भी जो कंज्यूमर कोर्ट्स देखते थे उनमें पेंडेंसी केसेस के बहुत ज्यादा मसले, और जब हमने इसके दायरे को बढ़ा दिया है तो मुझे लगता है तनिषा आगे बताएंगी कि किस तरीके से नंबर्स कई गुना बढ़ने वाले हैं, इसको लेकर क्या सरकार की ओर से प्रावधान निधि जी हैं फ्यूचर को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका गठन मुश्किल से मतलब ये वर्चुअली पब्लिश हो चुका है और एक दो दिन में ही ये नोटिफाई हो जाएगा, तो CCPA पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स के जो रूल्स हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं, ये भी इसी हफ्ते में हम इसे पब्लिश कर देंगे और नोटिफाई कर देंगे। तो ये जो एक, जैसा कि पुष्पा जी ने भी बताया कि एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि सबसे अधिक जो शिकायतें हो रही हैं वो ई कॉमर्स को लेकर के हैं। लगभग हमारा जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसमें भी लगभग 20% तक जो शिकायतें हैं वो ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब सवाल ये है कि ये कानून किस प्रकार से कंज्यूमर्स की सहायता करेगा। तो मैं पहला बताने जा रही हूँ कि एक तो पहले क्या था कि जब कोई जो ज्यूरिसडिक्शन का इशू था, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब कंज्यूमर अपने कंफर्ट जहां भी वो रह रहा है वहां से वो ई फाइल कर सकता है। दूसरा है कि पहले कोई एडमिशन का कोई मतलब कार्यकाल नहीं था। इस कानून में ये किया गया है कि अगर आप 21 दिन में कोर्ट डिसाइड नहीं करता तो ये डीम्ड एडमिटेड रहेगा। इसका अर्थ ये है कि एक तरह से कानून ही उपभोक्ता के साथ खड़ा हो रहा है। दूसरा है कि पहले हर छोटी चीज पे अपील पर अपील का प्रावधान था। इस कानून के अंतर्गत मात्र एक अपील का प्रावधान है और उसके बाद सिर्फ लॉ पॉइंट पर उसे चैलेंज किया जा सकता है। बहुत बड़े केसेस, आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में केसेस आना शुरू हो जाएंगे, तो कैसे इसका निपटारा किया जाए। तो इसमें ये एक मीडिएशन का पहली बार इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि क्या मध्यस्थता के माध्यम से क्या हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, और इसको भी उपभोक्ता के लिए एक तरह से उसके हित में ही इसको लाया गया है कि कंपनीज अपने कई बड़े बड़े वकीलों को ला के खड़ा कर देती हैं, तो वर्चुअली उपभोक्ता के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह की लड़ाई को जीतना। लेकिन मध्यस्थता के माध्यम से एक तरह से कंपनी के ऊपर भी एक दायित्व होगा कि वो अपनी चीजों को बेहतर होगा कि वो कानूनी लड़ाई न लड़ करके मध्यस्थता के माध्यम से उनको सुलझा लें। एक और भी बड़ी चीज है कि कई बार क्या है कि हम सोचते हैं कि कोई कंज्यूमर जब शिकायत करेगा तो वो एक अपने प्रोडक्ट की शिकायत करेगा, लेकिन वास्तव में CCPA को ये शक्तियां दी गई हैं कि जो क्लास वैरायटी के जो सामान है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए आना पड़े, बल्कि उसकी तरफ से अगर हम ये मान रहे हैं कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पे धोखाधड़ी हो रही है या गलत गुमराह किया जा रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपनाई जा रही है, तो CCPA डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है, प्रोएक्टिवली इंटरवीन कर सकता है, और ऐसी जो क्लास की शक्ल की जो शिकायतें हैं उनमें डायरेक्टली वो इंटरवीन करके एक जांच करने का आदेश दे सकता है। ऐसी चीजों की जांच कराई जा सकती है जिससे कि एक स्पीडी जस्टिस मिले। तो ये प्रावधान निश्चित रूप से उपभोक्ता हितों के संरक्षण की जो लंबी लड़ाई है वो निश्चित रूप से उसको प्रभावी तरीके से एक कानूनी जामा पहनाया गया। तलिश, दो पॉइंट मैं समझना चाहूंगा और दर्शकों के लिए, खासतौर पर कंज्यूमर्स के लिए। पहला ये कि जो अब तक दायरा था, जितने भी कंज्यूमर कोर्ट हुआ करते थे उसके दायरे को किस तरीके से बढ़ाया गया है, और फाइलिंग के प्रोसेस से और पहली अपील तक, इसकी बात निधि जी करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक बार ही अपील के बाद आपको जो टाइमलाइन है वो शुरू हो जाती है, यानी कि और
ब्रॉडर पिक्चर में अगर मैं कहूँ किसी एक प्रोडक्ट की बजाय उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन लाइन है कहीं ना कहीं वो दायरे में आ जाती है, ये कितना बड़ा फर्क होगा? ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम देखें तो इसमें जो है एक जमीन आसमान का फर्क है, जो आप पिछले लॉ को देख रहे हैं और आज के कानून को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज जो दायरे की आप बात कर रहे हैं वो उसमें ये आता है कि जो एक कोई उपभोक्ता है वो जहां से बैठ करके अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि वो जो सीमा लगाई गई थी कि जहां पे उनका मैन्युफैक्चर बैठा है या जहां पे जिस कंपनी ने दिया है उसके पास आपको नहीं जाना है, आप घर से बैठ करके कर सकते हैं, तो उससे आपको जो है इंडिविजुअली हो सकता है। उसके अलावा दूसरी जो चीज हम बहुत बड़ी देखेंगे इसके बारे में, और वो ये है कि जब मीडिएशन इस कानून में खुद ब खुद बनाया गया है तो इसमें कोई स्कोप नहीं है कि कल कंपनी जाकर के बोले कि भाई हम इसको सेटल करना चाहते थे लेकिन दूसरी तरफ वाले कभी आ नहीं रहे हैं या उनके वकील नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम पूरी हटा दी गई है। क्योंकि एक मीडिएशन सेल साथ ही साथ में है, सबको पता है कि जी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, दोनों तरफ से हो सकती हैं, या तो उपभोक्ता को किसी चीज की मानहानि पहुंची हो, उसको लगा हो बहुत बड़ी हानि है लेकिन है शायद बहुत छोटी सी। उसके अलावा कंपनी की तरफ से ये है कि भाई अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो उसको सेटल भी कर लिया आगे सामने जाकर के मीडिएट करके, तो उससे हो जाएगा। जहां अपील का प्रोसेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे दिया गया है, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि उपभोक्ता पहुंचा, उसको ऑर्डर मिल गया, मानिए एक लेवल पे मिला, इमीडिएटली ये होता था कि जब आप कंपनी की तरफ से वकील थे तो आप जाके बोलते थे जी कोई बात नहीं अपील पे कर देते, अपील पे उपभोक्ता तब तक थक जाएगा, हार जाएगा और छोड़ देगा, और उस समय हम जाएंगे और वकीलों के साथ आकर के इसको जीत जाएंगे। लेकिन अब ये है कि एक प्रोविजन डाला गया है कि अगर मानिए कोई अपील में जाना चाहता है तो अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, और वो ऑर्डर टिपिकली एक पेक्यूनरी ऑर्डर होता है कि भाई आप इतना सम जो है या इतना पैसा जो है उपभोक्ता को देंगे, तो आपको उसका 50% पहले जमा करना पड़ेगा अपील में जाने के पहले। तो देयरफॉर वो एक स्किन इन द गेम हो जाता है कि हमको पैसा पहले डालना है, उसके बाद आप आइए और फिर उस पर अपील करते रहिए। और दूसरा ये, जैसे निधि जी ने कहा कि द अपील विल बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये नहीं है कि कोई फैक्ट्स बदल गए वहां पे, आप पहले दिखाइए कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उस पर आप फिर अपील लेकर के जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो ई कॉमर्स पे इसलिए आया है, क्योंकि इससे पहले हम जब देखते थे तो ई कॉमर्स में जब आप बड़े एग्रीगेटर्स को देखते थे तो उन्होंने ये शब्द लाए कि हम ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, ना हमने बनाया है, ना हमने बेचा है, हम तो सिर्फ एग्रीगेटर है, हम मार्केट प्लेस है। लेकिन इस कानून में ये कहा गया है कि भाई जिम्मेवारी आपकी भी है, क्योंकि जब आप एक बड़े एग्रीगेटर हैं, हम आप और मैं थोड़ी जानते हैं कि किसने क्या बनाया। मानिए कल आपको 1 किलो चावल खरीदना हुआ, आप तो चले जाएंगे किसी भी कंपनी XYZ Amazon ही को ले लीजिए। आपने ये सोच करके रखा कि जी कोई बेच रहा है उस प्लेटफॉर्म पे तो वो माना जाना ही होगा, कंपनी ने अपनी रिसर्च करी होगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब आपको कोई दिक्कत आ गई तो सबने अपना हाथ खुला कर दिया कि भाई हमको नहीं पता ये कहां से आया था, हम तो वहां पे सिर्फ सेलर थे, हम तो वहां पे सिर्फ एग्रीगेटर थे। तो ये जो लायबिलिटी फिक्स करी गई है कि अगर आप उस सप्लाई चेन में कहीं भी आ रहे हैं तो उसके बाद उपभोक्ता के प्रति आपके जो सारे ड्यूटीज है वो आप लेकर के आएंगे, नहीं तो आपको उपभोक्ता के न्यायालय में पहुंच करके ये बताना पड़ेगा कि उपभोक्ता का जो राइट है उस पर संरक्षण कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। तो वो जो दायरा उसमें जो बड़ा किया गया है उसे मुझे लगता है कि अगर ये लागू हो पाएगा, और लागू होगा ही होगा जरूर। उसके अलावा जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आई है, जो जैसे आप भी बता रहे थे कि ये अथॉरिटी में जो प्रोएक्टिव पावर्स हैं कि ये पहले से देख सकते हैं। अब मानिए आजकल में आप कभी भी टीवी खोलें और वहां पे खुलासा होता है कि अच्छा ये कर लीजिए तो यहां से वहां हो जाएगा, आपको भी पता, हमको भी पता है, हमारे बच्चों को भी पता है कि जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये रोज सवेरे आता है, शाम को आता है। तो अब उसके बाद जब ये उपभोक्ता पे जब ये प्रोटेक्शन अथॉरिटी खुद देख करके उसको करेक्ट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से काफी कुछ जितने भी दावे थे उसमें काफी दावों में कमी भी आ जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन अथॉरिटी खुद जाकर के बोल सकती है कि जी ये नहीं हो सकता है, चाहे वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग हो चाहे कुछ और हो। तो उसके लिए इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है, उपभोक्ता के हित में बड़ा किया गया है। पुष्पा, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कंज्यूमर इंडस्ट्री में और खासतौर पर जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजिंग जो कंपनियां हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, और हमने देखा है कि किस तरीके से फेक या डाइल्यूटेड या मैनिपुलेटेड एड के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है, और कई बार वो बहुत ही हानिकारक भी होते हैं। इसको इस नए लॉ में दायरे में लाना
कितना बड़ा आप लगता है चेंज आने वाला है, और खासतौर पर तब जबकि अब सेलिब्रिटीज यानी कि वो एक्टर जो उस एड में किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे वो भी इस कानून के दायरे में उसके शिकंजे में होंगे? बिल्कुल, देखिए जो पहले लॉ था, पहले जो कानून था उसमें एक उपभोक्ताओं को खुद जाके केस फाइल करना था वो मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और कंज्यूमर कोर्ट्स का तो पावर था कि वो उनको मुआवजा दे सकते थे एंड आस्क फॉर करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, वो सब था, लेकिन कंज्यूमर को खुद जाके कंप्लेन करना होता था उसके बारे में, इसलिए ऐसे केसेस बहुत कम थी। लेकिन अब क्या है, ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बन गया है, वो रेगुलेटरी बॉडी जो बन गया है, वो सुपरमोटो दे कैन टेक अप दीज काइंड ऑफ केसेस एंड दे कैन इन्वेस्टिगेट इनटू देम, और जब भी उनको लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है या हानिकारक है और उसके बारे में दे कैन आस्क फॉर विड्रॉल ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, और वो मुआवजा दिलवा सकते हैं और जो भी कर सकते हैं कानून के अंतर्गत वो कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें पहले क्या था, एंडोर्सर्स बच जाते थे, जो भी होता था एंडोर्सर्स कहते थे हमारा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो अब नहीं होगा। तो जो एंडोर्सर्स है, आप देखिए जो भी आजकल एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, ये जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स का है या कोई ये अनहेल्दी फूड्स का है, बहुत सारे ऐसे चीजेस, और जो एडवर्टाइजमेंट्स है जहाँ बिल्कुल झूठे मूठे बात कहे जाते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट दीज सो कॉल्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, वो सब इतने ज़्यादा हो गया आजकल, और डिस्पाइट सो मेनी लॉज, ये बात नहीं है हमारे देश में इसके खिलाफ वो कानून नहीं है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स है, केबल नेटवर्क रेगुलेशन का है, इतने सारे है, फिर भी ये लोग यू नो दे आर एस्केपिंग द क्लचेस ऑफ द लॉ। तो इसलिए ये जो CCPA है उसका इट हैज यू नो पावर्स टू रियली टेक केयर ऑफ दिस, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। जब से हमारे देश में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन जो था that used to look after unfair trade practices और Suomoto misleading advertisements, false advertisements के खिलाफ वो लड़ते थे और उपभोक्ताओं के on behalf of consumers। जब से वो बंद हो गया and competition commission took over its you know role, तब से उपभोक्ताओं के लिए you know they have become victims of these unfair and false advertisements, और उसका संरक्षण के लिए कोई नहीं था। अब ये CCPA के आने के बाद उनका संरक्षण ठीक से होगा एंड देन पीपल यू नो वेदर एंडोर्सर्स मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइजर्स जो भी है दे विल हैव टू आंसर एंड देन द यू नो दुरु जो पनिशमेंट है वो भी ज्यादा है यू नो खड़ी वो पनिशमेंट है एंड सो आई थिंक दैट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो मेरी आशा है कि यू नो इस तरफ का जो कानून एडवर्टाइजमेंट्स है वो सब बंद हो जाएगी ये CCPA इफेक्टिवली जब वो काम शुरू करते हैं उसके बाद। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अनफेयर ट्रेड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अनफेयर टर्म्स इन कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एरिया है। जब आप ये कुरियर कंपनीज का टर्म्स एंड कंडीशंस देखें या हाउसिंग कंपनीज का ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो भी है इवन अ सिंपल कैश रसीद जो आपको मिलते हैं when you go and buy something in a dukaan, तो ये सब ये consumers के खिलाफ है, unfair conditions है consumers के खिलाफ है, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमारे देश में ऐसे कोई वो नहीं था, तो उपभोक्ताओं को court जाके लड़ना था and then it depended on the court's decision। लेकिन अब ये जो नया कानून है उसमें there is a provision for अनफेयर टर्म्स इन कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स और अनफेयर कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं उसको पहले ही, दैट इज CCPA Suomoto कैन लुक एट देम एंड देन यू नो स्ट्राइक डाउन सच अनफेयर टर्म्स एंड से ये ठीक नहीं है, ठीक करना है। और सबसे महत्व बात ये है कि बहुत साल में ये CCPA के लिए लड़ रही थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनसेफ गुड्स के बारे में, क्योंकि हमारे देश में जैसे दूसरे देशों में है ये कंज्यूमर्स को अनसेफ गुड्स को से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वो जो साधन नहीं था। अब ये CCPA के एक मुख्य कार्य या रोल ये है कि जब भी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट के वजह से उपभोक्ताओं को हानि पहुंचता है
वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको पूरा विड्रॉ करें मार्केट से और उपभोक्ताओं को मुआवजा भी दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस लॉ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है। इनफैक्ट आई इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर ये बहुत ही इट विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ चेंजेस एज फार एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन दिस कंट्री इज कंसर्न। और मुझे पहले लगता था जब तक हमारे देश में एक रेगुलेटरी बॉडी कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा, कंज्यूमर संरक्षण हमारे देश में अधूरी था। अब ये पूरी हो जाएगा ये CCPA के आने के बाद। चलिए वक्त कम है, लेकिन निधि जी आखिर में कुछ दर्शकों के सवाल थे, बहुत सारे सवाल लोगों ने भेजे हैं, लेकिन मैं कॉमन जो एक सवाल है जो करीब करीब ज्यादा दर्शकों की अगर हम सवालों को जोड़ दें कि अभी भी भारत में एक बड़ा बाजार ऐसा है जहां पर जो खुला सामान है वो लोग खरीदते हैं अपनी दुकानों से, उनका कहना है कि क्या वो दुकानदार और वो प्रोडक्ट भी इस नए कानून के दायरे में होगा, और उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए क्या हमें बेसिक चीज की जरूरत होगी, यानी कि बिल चाहिए होगा, वो लोग देते नहीं है, तो ऐसे मुंह क्या करेंगे। देखिए ये सही है कि हमारे यहाँ जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि एक तरह से डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया जिससे कि अनसेफ गुड्स को भी सर्विसेज को भी उपभोक्ताओं को दिया जाता रहा और उपभोक्ता के पास वास्तव में कोई अल्टरनेटिव नहीं था पहले। तो अभी भी जो ये जो कानून हमारा आज के तारीख से प्रभावी होगा, वर्चुअली ये एक बहुत बड़ा क्रांति मतलब क्रांतिकारी कदम होगा और उपभोक्ताओं को एक तरह से उनके अधिकारों का न केवल संरक्षण करेगा बल्कि उन्हें ये भी एक अधिकार देगा कि वो वैल्यू फॉर मनी यानी जो भी सामान ले रहे हैं जिस भी चीज की वो एक सही क्वालिटी की सही वस्तु का खरीद एक तरह से उनका अधिकार हो जाएगा। तो जो बाजार में खुले में मिलते हैं इवन उन्हें भी अपने स्टैंडर्ड्स और अपने जो गुड्स हैं उनको सेफ किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाएं ये उनका दायित्व हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि शिकायत कहाँ करें, तो अगेन वो ई फाइलिंग के रूप में कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो रसीद नहीं देना ये भी एक जुर्म है, तो उसके खिलाफ भी वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इसके बारे में एक अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी बनी है ये एक तरह से उनके हितों के संरक्षण करने के लिए ही बनी है। पहले क्या था कि आपको शिकायत है आप जाइए न्यायालय में, न्यायालय और कंपनी और उपभोक्ता ये आपस में फिर जो सही है उसके पक्ष में न्यायालय निर्णय देता था। इस अथॉरिटी के बन जाने से सबसे बड़ी क्या चीज हुई है कि अब अथॉरिटी उपभोक्ता के हितों के लिए कार्य करेगी, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ओके तालिश, लास्ट में बहुत संक्षेप कम है, लेकिन दर्शकों के लिए और खासतौर पर कंज्यूमर्स के लिए कोई सावधानी हिदायत या प्रोसेस की क्या जो नए कानून है उसके बाद उन्हें किस चीज का ध्यान रखना है अगर कोई सामान खरीदते हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मैं सिर्फ ये कहूंगी किसी भी उपभोक्ता को कि हमारे यहाँ सारे राइट्स दिए गए हैं, हमारे यहाँ लॉज भी हैं, लेकिन अपना राइट और लॉ जो है हमेशा एग्जर्ट करना पड़ता है, तो पीछे ना हटें। बहुत बार ये होता है कि जी हमारा बहुत ही छोटा क्लेम है या क्या फर्क पड़ रहा है, 100-200 रुपए की चीज है, हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। तो उपभोक्ताओं से ये मेरा मानना है कि जब तक हम उपभोक्ता होकर के अपनी आवाज खुद उठाएंगे नहीं तो बाकी सब सिस्टम को ब्लेम करने से उससे कुछ नहीं होता है। तो अगर हमारा देश महान होना चाहता है तो हम पहले महान होंगे तो हमारा देश महान होगा, बस उतना सा ही मैसेज है मेरा। बिल्कुल, अब तो सरकार का नया कानून ई फाइलिंग की सुविधा देता है, इसलिए हम अपने मोबाइल या घर बैठे हुए इंटरनेट के जरिए इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि